वेलकम टू निशीज किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ स्पेशल टर्किश कबाब की रेसिपी। ये कबाब बहुत ही जायकेदार होते हैं और आप इन्हें घर पर बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो आइए देखें टर्किश कबाब बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। 1/2 kg बोनलेस चिकन इस तरह क्यूब्स में कट कर लें। मसालों में मैंने लिया है 1.5 teaspoon लहसुन का पेस्ट, 1 teaspoon भुना हुआ और कुटा हुआ जीरा, 1 teaspoon काली मिर्च पाउडर, पेपरिका पाउडर 1 teaspoon। आप चाहे तो इसकी जगह नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 teaspoon, ये कलर के लिए है और इसमें तीखापन कम होता है। 1 teaspoon भरकर चिली फ्लेक्स यानी सूखी लाल मिर्च। लाल सूखी मिर्च को दरदरा सा ग्राइंड कर लें। इस तरह से फ्लेक्स तैयार हो जाएंगे। दालचीनी पाउडर 1 teaspoon, 4 टेबल स्पून हंकड़। हंकड़ यानी दही ले लें और उसमें जो पानी होता है उसे कम्प्लीटली निकाल लें। एक कॉटन के कपड़े में रख कर पानी निकाल सकते हैं और दही इस तरह से ड्राई हो जाना चाहिए। 3 टेबल स्पून टमाटर का पेस्ट, 3 टमाटर बारीक पीस लें और पीसने के बाद इसे थोड़ा पका लें। ये इस तरह से ड्राई हो जाएगा। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। 1/2 lemon का जूस निकाल लें और बाइंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 2 टेबल स्पून के करीब मस्टर्ड ऑयल। तो चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे, तो हमने जो सारे मसाले लिए हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा, काली मिर्च पाउडर, ये लहसुन का पेस्ट, पेपरिका पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये दालचीनी पाउडर, चिली फ्लेक्स, और अब हम इसमें डालेंगे ये टमाटर का पेस्ट जिसे कि मैंने पका कर रखा था, और ये हंकड़ यानी दही जिसका पानी मैंने बहुत अच्छी तरह से ड्राई कर लिया है। यहीं पे हम ऐड कर लेंगे नमक, लेमन जूस और ये मस्टर्ड ऑयल। अब हम इन सारी चीज़ों को चिकन के साथ बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। सारे मसालों को मैंने चिकन के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और अब हम इसे कवर कर लेंगे। कवर करने के बाद आप इसे 1 से 2 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रख दें। अगर आप इसे पूरी रात रखेंगे तो और भी ज़्यादा टेस्टी बनेंगे हमारे कबाब। 2 घंटे हो चुके हैं और चिकन हमारा अच्छे से मैरिनेट हो चुका है, तो हम इसे फिर से एक बार अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखें अब ये बिल्कुल रेडी है। अब हम ये कबाब के स्टिक्स ले लेंगे और ये कबाब इसमें इंसर्ट करते जाएंगे इस तरह से। ये देखें और अब हम इसे इस तरह से रखते जाएंगे। तो ये देखें इस तरह से मैंने बनाकर तैयार किया है। अब हम चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। यहाँ पे मैंने कास्ट आयरन तवा लिया है। आप चाहे तो नॉर्मल तवा के ऊपर भी इसे फ्राई कर सकते हैं और गैस का फ्लेम ऑन कर दें। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल और इसे हम चारों तरफ फैला देंगे। तवा हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसके ऊपर अपने कबाब रख देंगे। दो मिनट बाद हम कबाब को टर्न कर देंगे। और इसके ऊपर हम लगाएंगे ऑयल। आप चाहे तो यहाँ पे बटर भी लगा सकते हैं। फिर से हम इसे टर्न कर देंगे। और इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे।
ठीक इसी तरह कबाब को टर्न करते जाएं और इसे फ्राई करते जाएं। तो ये देखिए, अब ये बनकर बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। तो देखा आपने, कितनी आसानी से मैंने जायकेदार टर्किश कबाब बनाकर तैयार किए। आप भी इन्हें घर पर बड़ी आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आज की मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।